आप देख रहे हैं निशाद ज्योत न्यूज की ताजा खबर। आज हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी की। ओम प्रकाश राजभर जो है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते हैं, और वो अपनी कुछ मांगों को रखते हैं। वो अपनी मांगों को ये रखते हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं उस पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ी जातियों में सभी जातियों को उनका हक अधिकार नहीं मिला है, तो इसलिए सारी जो है पिछड़ी जातियों को वर्गीकृत कर दिया जाए और सभी को बांट दिया जाए अलग अलग। तो इस तरह से सुनिए अब वो सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं। मंत्री जी, क्या मामला, क्यों आप इस्तीफा देने जा रहे हैं? पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हमारे पास है और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। गठन में हमने सूची भेजी जिन लोगों ने आवेदन किया था हमारे यहाँ विभाग में जी, उसमें से एक भी मेंबर तक नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। अपने मन से 28-27 लोगों की नियुक्ति कर दिया है, तो विभाग मेरे पास रहने का क्या औचित्य है जी? पिछड़ी जाति के अकेले 1.5 गुना छात्र हैं, उनको छात्रवृत्ति देने के लिए बजट नहीं है। 1 अगस्त को मीटिंग की है शुल्क प्रतिपूर्ति देने के लिए। एक ही क्लास में सामान्य वर्ग को 58,000, अल्पसंख्यक को 58,000, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को 58,000 और बैकवर्ड को 8,000, 10,000, 5,000, ये कौन सी पॉलिसी है? 1 अगस्त को मीटिंग करके उन्होंने कहा कि हम 1 महीने में सब खाते में भिजवा देंगे, आज तक नहीं दिया, 8 महीना बीत गया। तो आप क्या करने जा रहे हैं? हम ये देखिए, ये चिट्ठी लिख करके खोज रहा हूँ उन्हीं को, ये चिट्ठी लेके खोज रहा हूँ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उनको सौंप रहा हूँ कि आप अपने पास रखो और पिछड़ों को जवाब आप दो, हमको मत गुमराह करो। तो क्या आप इस्तीफा लिखे? बिल्कुल, ये एकदम तैयार है देने के लिए, मुझे तो अभी दे देते उनको। हम यहाँ मलाई काटने नहीं आए हैं, गुलाम बनने नहीं आए जी। तो आपने इनकी बातों को सुना। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी में हैं या रह चुके थे या हैं नहीं हैं अब वही जाने, लेकिन इस तरह की दहाड़ जो है कि सरकार में रहते हुए सरकार की नाक में दम कर रखा है, ऐसा कैबिनेट मंत्री पहली बार देखने को मिला है।